हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। कॉम्पटन इफेक्ट में हमें ये पढ़ना है, जैसे हमने कोई भी कार्बन का एलिमेंट लिया है, इस कार्बन के एलिमेंट में हमने रेडिएशंस को इंसिडेंट किया है, उसके बाद ये पर्टिकुलर एंगल से यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर हो जाती है बाय पर्टिकुलर एंगल, दैट इज थीटा एंगल। जैसे ये रेडिएशन गई बाय थीटा एंगल, ये थीटा एंगल से, तो थीटा एंगल क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है। और आई एस हमारी क्या है, स्कैटर रेडिएशन, ये हमारी क्या है, स्कैटर रेडिएशन, इसको हमने आई एस से रिप्रेजेंट किया है, और ये इंसिडेंट रेडिएशन है। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी एनर्जी एच न्यू है और उसका मोमेंटम एम वी है और इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है और जो स्कैटर रेडिएशन है, दोनों में डिफरेंस मिला है एनर्जी का। यदि जो स्कैटर रेडिएशन है और इंसिडेंट रेडिएशन, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस मिला कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी एनर्जी हमें ज्यादा मिलती है जब दोनों को कंपेयर किया जाता है, तो आई एस क्या है, स्कैटर रेडिएशन की एनर्जी है, और आई ई आई जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है। तो ये पता चला एक्सपेरिमेंटली की जो एनर्जी है वो उसकी इंसिडेंट रेडिएशन की ज्यादा है, या फिर अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो स्कैटर रेडिएशन है उनकी लैम्डा डैश जो होती है वो हाई रहती है इन कंपैरिजन टू इंसिडेंट रेडिएशन। ऐसा इसलिए हुआ, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोलिजन हुआ है पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ही रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, पार्टिकल्स के ऊपर इंसिडेंट होती हैं, तो वहां पर इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। सिंपल सी बात है, दो चीजें आपस में टकराएंगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन तुमने दो पढ़े हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक में कोई लॉस नहीं होता, ना मोमेंटम का ना एनर्जी का, तो कोलिजन जो इन इलास्टिक होता है उसमें लॉस होता है एनर्जी का या मोमेंटम का। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हुआ तभी एनर्जी डिक्रीज कर गई है, स्कैटर रेडिएशन की एनर्जी वो डिक्रीज कर गई है। तो उसके कम अगर हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है, आइंस्टाइन जो लॉ आया था उसके अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू में एच न्यू होता है। एच न्यू क्या है, हमारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, c upon lambda, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, h c upon lambda हो जाएगा। तो अगर किसी की भी एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो सिंपल सी बात है lambda इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda। एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है स्कैटर्ड रेडिएशन की, तो lambda इंक्रीज कर जाएगी। यही पढ़ना था तुम्हें कॉम्पटन इफेक्ट में, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उनकी एनर्जी डिक्रीज करती है, lambda बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो डेल लैम्डा की टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डेल लैम्डा इज इक्वल टू में लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा, ठीक है। लैम्डा डैश जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशंस जो है उनका लैम्डा है, यानी उनकी वेवलेंथ है स्कैटर्ड रेडिएशन की, ठीक है। और जो लैम्डा है तुम्हारे पास, ये इंसिडेंट जो रेडिएशंस है उनका लैम्डा है, यानी वेवलेंथ है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है, ठीक है। That is equal to में lambda dash minus में lambda is equal to hc upon में m 1 minus में cos theta, ठीक है। Compton shift ये कहता है कि excited जो scattered जो radiation है minus में incident radiation में जो lambda को minus करोगे तो जो difference आएगा that will be कॉम्पटन शिफ्ट आएगा। अब कॉम्पटन शिफ्ट जो है किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो हमें देखना है। जैसे फॉर्मूला में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि डेल लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, तो इसी तरह से जो कॉम्पटन शिफ्ट है किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे, क्योंकि फॉर्मूला में कॉस थीटा आ रहा है तो थीटा पे डिपेंड करेगा कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। थीटा क्या पढ़ा था हमने, स्कैटरिंग एंगल, हां है ना, स्कैटरिंग एंगल। तो यहाँ पर थीटा की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, देख सकते हो कि किस एंगल से स्कैटर हो गया रेडिएशन, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्वांटम शिफ्ट। अगर तुम्हारा थीटा जीरो है तो कोस जीरो क्या होता है, वन, कोस जीरो इज टू वन, तो डेल लैम्डा इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे वन रखोगे, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, एच सी अपॉन में एम, वन माइनस में 1, that is equal to 0.
दैट मींस अगर वो 0 डिग्री एंगल से स्कैटर होती है रेडिएशन तो तुम्हारा जो क्वांटम शिफ्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना, स्कैटर रेडिएशन जो स्कैटर होने अगर उसका थीटा एंगल जो है स्कैटरिंग एंगल अगर तुम्हारा 0 होता है तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ऐसे कोण में m 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, दैट इज योर क्वांटम शिफ्ट। अब क्वांटम शिफ्ट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, पहला फैक्टर हो गया हमारा स्कैटरिंग एंगल जो तुमने पढ़ा, दूसरी बात जो क्वांटम शिफ्ट है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, किस टाइप का तुम मटेरियल यूज कर रहे हो दैट डजंट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ सब्सटेंस यूज्ड, वो इंसिडेंट रेडिएशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, तुमने कौन से इंसिडेंट की है रेडिएशन उनके ऊपर भी ये इफेक्ट डिपेंड नहीं करता। तो ये बताया था क्वांटम शिफ्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।